हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी को अच्छा होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो गाइस, आज घूमने के लिए जा रहे हैं कांकेर डैम। तो आज आप लोग को वहाँ पर दिखाएंगे कांकेर डैम कैसा है, और वहाँ पर एक छोटा सा पार्क भी है, तो आज उस जगह को भी दिखाएंगे आप लोगों को। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलिए चलते हैं। सो फाइनली गाइज, अभी कांकेर डैम पार्क पहुंच चुके हैं। अभी एंट्री नहीं किया है, गाड़ी पार्क कर लिया यहीं पर। तो अभी चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं अंदर का नज़ारा। सो फाइनली गाइज, अभी एंट्री कर चुके हैं और अभी सामने में हमको पार्क दिख रहा है बच्चों लोग का। तो अभी चलिए दिखाते हैं आप लोगों को पार्क। आप मेरे पीछे साइन बोर्ड देख सकते हैं और सामने में देखिए पार्क। छोटे बच्चों के लिए पार्क काफी खूबसूरत है, यहाँ पर बच्चे लोग आकर के खेल सकते हैं। यहाँ पर शू हाउस भी है और इधर स्लाइडिंग भी है, आप देख सकते हैं। सो गाइस, पार्क के अंदर आने के बाद थोड़ा सा कुछ दिखा है। यहाँ पर एक योगा एक्सरसाइज भी करने के लिए काफ़ी जगह स्पेस है। तो यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर योगा एक्सरसाइज भी हो रहा है। और पास में ही आप देखेंगे पीछे साइड में, तो यहाँ पर मछली पालन का एरिया, ये कांकेर डैम का ही है, आधा पार्ट में बटा हुआ है, घेरा करके आप देख सकते हैं। तो इधर मछली पालन का एरिया बनाया गया है। सो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्टेज जैसा बना हुआ पार्क के अंदर पे ही बैठने के लिए, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ पर आ करके बैठ सकते हैं, ये स्पेस है। सो गाइस, अभी आप जो मेरे पीछे यह टंकी देख रहे हैं, यहाँ पे कांकेर डैम का पानी स्टोर होता है और रांची कुछ जगहों में सप्लाई किया जाता है। तो गाइस, यहाँ पर एक अच्छा चीज़ लगा, यहाँ पे पार्क के अंदर सारे तरफ ग्रीनरी है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ साइड साइड पे। और यहाँ पे वॉकिंग करने के लिए बीच में बनाया हुआ है, तो यहाँ से आप जब वॉकिंग कीजिएगा तो साइड तरफ आप लोग को पूरा ग्रीनरी मिलेगा, पेड़ पौधा पूरा लगा हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है मॉर्निंग पर। मॉर्निंग में हम आए हैं, तो आप 10 बजे के बाद यहाँ पे आइएगा तो आप बोटिंग कर सकते हैं। और आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं, वाइब्स काफ़ी खूबसूरत है। और आप सामने में देखिएगा, यहाँ पर बोटिंग के जस्ट बगल में एक आते बैठे हुए हैं, तो ये गांव के बगल के ही लोग हैं जो आते हैं और यहाँ पर कांकेर डैम में मछली पकड़ते हैं और अपना गुजारा चलाते हैं। सो गाइज, यहाँ पर सामने में ब्रिज भी है, लेकिन इसका कंडीशन थोड़ा ख़राब है, इस वजह से इसे बंद कर दिया गया फिलहाल अभी। सो गाइज, आप मेरे पीछे जो ब्रिज देख रहे हैं, ये साइड साइड मतलब पार्क के अंदर में ही बना हुआ है ब्रिज, और ये साइड साइड सीधा पार्क के किनारे से होकर के बाहर की ओर ले जाता है। सो गाइस, अभी आप जो डैम देख रहे हैं, तो इसी का पानी यहाँ पर फिल्टर होता है, और जो मैंने पहले वीडियो पर बताया वहीं पर जाकर के स्टोर होता है पानी। तो यहाँ पर पानी फिल्टर वाला एरिया है और यहाँ पर पानी फिल्टर हो रहा है, आप देख सकते हैं। सो गाइस, अभी जो आप ये देख रहे हैं, ये कांकेर डैम के बगल का ही नज़ारा है, और यहाँ पर बैठने का बना हुआ सीढ़ी जैसा, और यहाँ पर शाम में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है कपल्स लोग के स्पेशली यहाँ पर। और पास में आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर में जो टंकी आप लोग को दिखाए थे, ये वाला रॉक गार्डन है, इस जगह को भी एक्सप्लोर करेंगे।
तो आप लोग मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा और आप लोग ये देखिए डैम का नजारा, चिल वाइब्स। सो गाइस, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप ब्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज एक लाइक दे दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन बेल वीडियो तुरंत पहुँच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही।